रेवाड़ी के कोसली में आज डीटीपी की टीम ने करीब 3 दर्जन से ज्यादा अवैध मकानों को तोड़ दिया है। विभाग द्वारा 200 ऐसे लोगों को नोटिस दिया गया था जिन्होंने अवैध तरीके से निर्माण किया हुआ था। डीटीपी द्वारा अवैध निर्माण तोड़ने की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पूर्व राज्य मंत्री विक्रम यादव ने कहा कि टाउन प्लानर विभाग द्वारा जिन लोगों को नोटिस दिए थे उनकी जगह ऐसे लोगों के मकानों को तोड़ दिया गया जिनको नोटिस दिए ही नहीं गए थे। उन्होंने कहा कि विभाग लोगों में दहशत फैलाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। पूर्व मंत्री ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज कर कार्रवाई की जाए। अवैध निर्माण पर कार्रवाई करते वक्त डीटीपी टीम में जय धर्मपाल, जय अनिल कुमार व ड्यूटी मजिस्ट्रेट अरुणा चौहान मौजूद थी। आपकी लापरवाही कहूँ मैं, ड्यूटी मजिस्ट्रेट की जो पोजीशन है, इन्होंने नोटिस जिनको दिया उनको तोड़ दिया। 10 साल पुरानी जो मकान बने हुए हैं इन लोगों के ऊपर, मैं समझता हूँ कि ये लोगों को भयभीत करने के लिए, और हमारा टाउन प्लानिंग के जो ये अधिकारी हैं, नीचे सिंचाई के जेई लगाओ, इंस्पेक्टर लगाओ, इनकी करामात से नोटिस किसी को दिए जा रहे हैं, तोड़ फोड़ कहीं करवाई जा रही है केवल लोगों में एक भय पैदा करने के लिए। पिछली बार भी ये अपनी जगह जहाँ विभाग कार्रवाई करता है, नई कॉलोनियाँ कटती हैं वहाँ करना चाहिए, और जहाँ पुराने 10 साल पुराने 8 साल पुराने जहाँ लोगों के ऊपर ये लोगों में भय पैदा करने के लिए और जो कार्रवाई करते हैं वो मैं समझता हूँ कि वो गलत है। और इसी प्रकार करे तो सारे मकानात कोसली उस प्रकार से बनी हुई है। कोसली में इससे पहले कोई वो तो था नहीं, सेवन ए लागू होने से पहले के जो मकानात बने हुए हैं उनके ऊपर सिर्फ लोगों में भय पैदा करने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई करते हैं। की कार्रवाई आज अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई की गई नहीं, जो नई कॉलोनी तो कोई किसी प्रकार की नई कॉलोनी नहीं कटी है अभी तक, ये भी कॉलोनी पुरानी थी, इसमें कोई नई कंस्ट्रक्शन हो रही थी उसी के अगेंस्ट हमने कार्रवाई किस प्रकार ये गलत है। सबको नोटिस देके कार्रवाई की गई, जिसको नोटिस देखने हमारे कार्यालय में आके जो विक्रम सिंह ठेकेदार, उन्होंने कहा कि किसी को नोटिस नहीं दिया गया, बिना नोटिस कॉलोनियां तोड़ दी गई, जो अवैध गरीबों के प्लाट थे वो तोड़ दिए। नहीं नहीं, ये गलत कहना है। मैंने जैसे कहा कि ऑफिस में आके अपने नोटिस की कार्रवाई देख सकते जी। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक।